छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। यह वही कलेक्टर है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दवाई लेने निकले एक युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पद से हटाने के लिए निर्देश दिया है। उनकी जगह IAS गौरव कुमार सिंह को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। CM बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार नहीं है। इस घटना से सुबुद्ध हूं। मैं नवयुवक व उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। लॉकडाउन के दौरान एक युवक दवाई का पर्चा लेकर दवाई लेने मेडिकल स्टोर जाने के लिए निकला था। इसी बीच कलेक्टर रणवीर शर्मा दलबल के साथ लॉकडाउन का मुआयना करने निकले। इस दौरान सड़कों पर लोगों की आवाजाही देख वहां विफर पड़े। उनकी नजर उस युवक पर पड़ी। अपने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों से कहकर उन्होंने युवक को रुकवाया और एक चाटा रसीद कर दिया। इसी दौरान युवक दवाई की पर्ची भी दिखाता रहा, लेकिन कलेक्टर ने उसकी एक न सुनी और युवक का मोबाइल छीनकर उसे सड़क पर पटक दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि बाद में कलेक्टर ने अपने किए की माफी भी मांगी, लेकिन सरकार ने उनकी नागवारा गुजरी और उन्हें पद से हाथ धोना पड़ गया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।